सूची किस तरह रंग न दिखाई देने के कारण जिंदगी बेरंग हो जाती है। इस लाइलाज असाध्य जेनेट ब्लाइंडनेस बीमारी ठीक करने के एकल प्रयास से विश्व पटल पर दीप जलाकर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। क्या परेशानी है? कलर ब्लाइंडनेस है। कैसे मालूम पड़ा कलर ब्लाइंडनेस है आपको? एक ऐसा एग्जाम में मुझे मेडिकल में डिस्क्वालीफाई किया था। देखते हैं आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। पढ़ते जाइए, क्या दिख रहा है? सिक्स, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। 835 ये 8 है। हाँ। 26, 96 इसमें है, पता नहीं चल रहा इसमें क्या है। ये है 5, ये 2, कोई आइडिया नहीं आ रहा इसमें। एक सेकंड, इसका जो 16 है ये कलर में है, कोई आइडिया नहीं। इसमें कुछ फिगर बना हुआ, ड्रॉ किया हुआ, ये वाला। इसमें फिगर ड्रॉ किया हुआ है ये ग्रीन शेड में, ये जो 15 है। तो आज आपको मात्र 19 प्लेटें दिखाई पड़ रही हैं, ठीक। और 19 प्लेटों में से ज्यादा जो भी दिखेगी तो आप क्या मानेंगे? कि आई एम क्योर। आप क्योर किसके द्वारा हुए? बाय ऋषभ जैन। बाय डॉक्टर ऋषभ जैन। जी हाँ। ठीक, तो जो भी आपको इम्प्रूवमेंट आएगा तो आप मानेंगे कि डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से? मैं मानूंगा कि अगर मैं क्योर हो जाता हूँ तो ये डॉक्टर ऋषभ जैन की सहयोग से हुआ हूँ, इलाज से हुआ। हम आपका इलाज कर रहे हैं और आपको कुदरती दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो आपको डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में कैसे मालूम पड़ा? मैंने नेट से देखा था। नेट पे आपने वीडियो देखे, उसमें विश्वास हुआ? मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने उसका सिर्फ देख रहा था, तो उसमें जो एक लिखा था कि ट्रीटमेंट यानी कलर ब्लाइंडनेस, तो उसमें लिखा हुआ था उज्जैन ऋषभ जैन, उज्जैन में ऋषभ जैन नाम का डॉक्टर है जो कि कलर ब्लाइंडनेस ट्रीटमेंट करता है। तो मैं उसी एड्रेस के आधार पर यहाँ पे आया था, अभी मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। ठीक, देखेंगे पहले कोर्स के बाद आपको क्या फर्क पड़ता है। आंखों के असाध्य रोग नहीं हुई थी, कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है। तो पहली बार आपका कोर्स खत्म हुआ है, क्या आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 12। बढ़ो आगे। 6। गुड। नहीं पता चल रहा। बढ़ो आगे। 26। 96। जो नहीं कुछ नहीं, सही बात नहीं। इसमें ये सड़क दिख रहा है, ये सड़क है, ये इसमें रोड बना हुआ है इस प्रकार रेड से ग्रीन से, ये 7 है। ये जो सीधा चल रहा है यहाँ से, ये सब हल्का सा गोल घूम के बस रेट पकड़े रहेंगे ना। हाँ, तो ये रेट पे चलेंगे तो यहाँ तो यही तो चल रहा है, सही तो चल रहा है। तो मुझे वो अनुमान से लग रहा है ये 7 टाइप का लग रहा है। चलो ठीक, गलत है। आज आपकी प्रोग्रेस ये है कि आप 19 प्लेट से प्लेट पे पहुंच गए हैं, 30 प्लेट बिल्कुल सही है, एक प्लेट आप आधी बता रहे हैं, उसमें अभी काफी अच्छी चले हैं आप, 80% सही चले हैं, दो प्लेटें उसमें कम रची हैं। कुल मिला के आपको आज 32 प्लेटें आ रही हैं, दो अपन जो सबको दिखती हैं उसको जोड़ लें तो, ठीक। तो 19 से 30 प्लेटें होना आपको कुछ अच्छा लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, 11 प्लेटें पड़ी है मात्र 5 दिन में। आज कितने दिन हुए आपको? आज 5वां दिन है आपका, ठीक। तो 5वें दिन में आपको 11 प्लेटों का फर्क आया है, इसके लिए बहुत सारी बधाई हो। मुंह बना के बैठने से कुछ भी नहीं होता है, यदि खुशी हो तो ठीक है, नहीं हो भी तो भी ठीक है, लेकिन दुनिया जानती है कि 19 से 30 होना, जिस बीमारी में 19 से 20 करने का कोई दावा नहीं करता, उसमें आपको कहां पहुंच गए हो? 30 प्लेटों पे, ठीक। 30 प्लेट वो और दो प्लेट आपको जो सबको दिखती है वो, तो आप 32 प्लेटों पे पहुंच गए हैं, मात्र 4 प्लेटें से आप दूर हैं टोटल कलर ब्लाइंडनेस को हराने से। बहुत सारी बधाई हो, जिंदगी में हो सकता है ये आप दवाइयों का कोर्स बाकी का लेंगे तो वो 4 प्लेटें भी आपको एग्जाम के समय तक आ जाएं। बहुत सारी बधाई। धन्यवाद आपको भी।
देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।